अब बात करेंगे अनेका शेड्यूलर। कहता है कि अनेका शेड्यूलर अलाउड यू टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन ऑन सेम रन टाइम एनवायरमेंट। यह क्या करता है कि अलाउ करता है हमें, अलाउ यू टू रन मल्टीपल एप्लीकेशन एट ए सेम टाइम। क्या है, अनेका अलाउ करता है कि हम एक साथ बहुत सारे एप्लीकेशन को हम रन कराएं। ठीक है, इसके बाद हम अभी इसका पढ़ेंगे कि अनेका कंटेनर। अब इसमें क्या होता है, अनेका के पास एक अपना कंटेनर होता है, यानी कि इसका आर्किटेक्चर का बात हम करेंगे। तो इसका आर्किटेक्चर बनाएंगे अभी। चलिए हम बात करेंगे अनेका का आर्किटेक्चर रही है। इसमें अनेका जो है बेसिकली तीन कंटेनर को हायर करके रखता है। पहला है एजुकेशन सर्विसेज, फाउंडेशन सर्विसेज और फैब्रिक सर्विसेज। ये तीन सर्विसेज पे ही पूरा अनेका है। ठीक है, एजुकेशन सर्विसेज, फाउंडेशन सर्विसेज एंड फैब्रिक सर्विसेज। अब बताते हैं कि पहला एजुक्यूशन, एजुक्यूशन का एग्जीक्यूट करना, क्या करना, एग्जीक्यूट करना। कोई भी एप्लीकेशन हम बना रहे हैं तो उसको एग्जीक्यूट कराएगा, कैसे कराएगा। तो यहाँ पे एक पहला होगा शेड्यूलिंग, ये शेड्यूलिंग कराएगा और हमारे एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट कराएगा। ठीक है, इसके अंदर फाउंडेशन, इसको कहते हैं मिडिलवेयर। ये जितने भी है ये मिडिलवेयर है, मिडिलवेयर इसका जो है सबसे ज्यादा मेन रोल इसी का है। अब ये क्या काम करेगा उसको समझिए। पहले क्या कि लाइसेंसिंग फीस देगा, लाइसेंसिंग, अकाउंटिंग, टोटल आपका मैनेजमेंट करेगा। मैनेजमेंट कौन करेगा, फाउंडेशन सर्विस करेगा, याद रखिएगा। इसके बाद इसके अंदर जो होगा वो स्टोरेज भी होगा, रिसोर्स रिजर्वेशन, बेसिकली फाउंडेशन सर्विसेज को हम कहते हैं कोड ऑफ अनेका, कोड ऑफ अनेका। इसके बाद हम आते हैं फैब्रिक सर्विसेज में। फैब्रिक सर्विसेज क्या करता है, ये बेसिकली हार्डवेयर प्रोफाइलिंग करता है। ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट जो कनेक्ट रहेगा, डायरेक्टली कनेक्टेड विथ PAL प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ये देखिए कि सबसे पहले इसमें तीन प्रकार की सर्विसेज होगा, इसी को कहते हैं कंटेनर, अनेका का कंटेनर। पहला है एजुकेशन सर्विसेज, इसमें शेड्यूलिंग करेगा, एग्जीक्यूट ऑफ एप्लीकेशन करेगा। इसके बाद आते हैं फाउंडेशन सर्विसेज। फाउंडेशन सर्विसेज के अंदर क्या करेगा, लाइसेंसिंग है, अकाउंटिंग करेगा, मैनेजमेंट करेगा, स्टोरेज करेगा, रिसोर्स रिजर्वेशन करेगा। बेसिकली फाउंडेशन सर्विसेज को हम कहते हैं कोर ऑफ अनेका। इसके बाद हम आते हैं फैब्रिक सर्विसेज। फैब्रिक सर्विसेज में आएगा तो हार्डवेयर प्रोफाइलिंग, क्योंकि ये देखिए डायरेक्ट आपका स्टोरेज ये सबसे कनेक्ट रहता है, ये जो लास्ट पार्ट है इसमें से वो कनेक्ट रहेगा, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट रहेगा। ये जो हमारा नीचे वाला पार्ट है ये हमारा है इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, पहला है
कि मैंने आपको बताया था कि अनेका, अनेका क्या है, एक मुझे एक हमारा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए एक मुझे प्लेटफॉर्म देता है। ये प्लेटफॉर्म क्या है, एक फ्रेमवर्क है, क्या है, फ्रेमवर्क है, जहां से हम कोई भी एप्लीकेशन को तैयार करते हैं और उसको क्लाउड में ला करके छोड़ देते हैं और उसको हम ग्लोबली हम उसको यूटिलाइज करते हैं। तो SDK प्रोवाइड करता है, SDK मतलब क्या, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट, क्या हुआ, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। इसके माध्यम से क्या करेंगे, कोई भी हमारे पास इसमें API है, टूल्स जिसके माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को तैयार करेंगे। मैनेजमेंट, टोटल मैनेजमेंट, कौन पहले होगा, क्या काम करना है आपको, नहीं करना है। तो ये जो अनेका है ये बेसिकली हमारा GUI बेस्ड है, ये हमें GUI बेस्ड प्लेटफॉर्म मुझे प्रोवाइड करता है। ये मैनेजमेंट है, टूल्स है, इंटरफेस है, इसमें बेसिकली तीन प्रकार के कंटेनर है, यानी कि सर्विसेस है, एजुकेशन सर्विसेस जिसके अंदर हम शेड्यूलिंग करते हैं और एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन करते हैं। इसके ठीक पार्ट है नीचे वाला पार्ट जिसको कहते हैं कोर ऑफ अनेका, ये क्या है, फाउंडेशनल सर्विसेज। इसमें क्या करता है, लाइसेंसिंग देता है, कोई एप्लीकेशन तैयार किए तो मुझे उसका लाइसेंसिंग की जनरेट करते हैं। तो लाइसेंसिंग है, अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट है, स्टोरेज है, रिसोर्स रिजर्वेशन है। इसके बाद आते हैं फैब्रिक सर्विसेज, फैब्रिक सर्विसेज में हार्डवेयर प्रोफाइलिंग, डायरेक्टली कनेक्ट विद PAL प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर। ये जो होता है फैब्रिक सर्विसेज वो डायरेक्ट कनेक्ट रहता है हमारा PAL से, यानी कि प्लेटफॉर्म एब्स्ट्रैक्शन लेयर जिसको कहते हैं हार्डवेयर प्रोफाइलिंग, इसका मेन वर्क है। तो मैंने अभी जाना क्या क्या अनेका क्या होता है, अनेका क्या है कि मुझे एक प्रकार का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है कि आइए और हमारे प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आप एक एप्लीकेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को तैयार कीजिए। बेसिकली अनेका का यही काम है। और शुरू से मैं बता दूं कि कह रहा है कि अनेका इज अ सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म एंड ए फ्रेमवर्क फॉर डेवलपिंग डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन ऑन द क्लाउड। अनेका प्रोवाइड डेवलपर विच ए रिच सेट ऑफ API। अनेका इज अ मार्केट ओरिएंटेड क्लाउड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल सही है। अनेका बेस्ड कंप्यूटिंग क्लाउड इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल एंड वर्चुअलाइज्ड रिसोर्स कनेक्टेड थ्रू ए नेटवर्क। जो भी काम होगा वो नेटवर्क में ही काम होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लाउड है, ठीक है। इसके बाद आते हैं यहाँ पे क्या कहते हैं, बिल्ड कर रहे हैं, बिल्ड मतलब क्या, एप्लीकेशन को तैयार कर रहे हैं। एप्लीकेशन किस माध्यम से तैयार करके, SDK माध्यम से तैयार करके, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट के माध्यम से तैयार करके। इसमें बहुत सारे टूल्स है, बेसिकली यही अभी हमने जाना कि अनेका क्या होता है। धन्यवाद।